प्रदेश में आज बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने लखनऊ में एक पार्टी की बैठक बुलाई और लखनऊ में आज हुई पार्टी की बैठक में बीएसपी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता नेता गणों को बुलाया गया था और सभी संगठनात्मक पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था, जिसमें जिला अध्यक्ष है और जिले के प्रभारी हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को भी देखा गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार नजर आए, सतीश चंद्र मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव, उमा शंकर सिंह एकमात्र विधायक, विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान जो सबसे शानदार वाकया देखने को मिला, जिसकी चर्चा इस वक्त काफी ज्यादा है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार आपको बता दें कि आकाश आनंद पार्टी की मीटिंग में है वो नजर आए। अक्सर आपको बता दें कि लखनऊ से बाहर जब भी बैठक होती है, चाहे वो दिल्ली में बैठक होती है, तो अक्सर आकाश आनंद नजर आते हैं, बहन जी के साथ नजर आते हैं, बहन जी का जब जन्मदिन होता है तब भी वो लखनऊ में आते हैं, लेकिन पार्टी की जो मीटिंग होती है बड़े लेवल पर, उनमें आपको बता दें कि वो पहली बार नजर आए। और इस दौरान बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने उसको आपको बता दें कि आकाश आनंद को अपने पास में बुलाकर आशीर्वाद भी सबके सामने दिया। जब आकाश आनंद, आनंद कुमार, सतीश चंद्र मिश्रा और मायावती जी एक साथ हॉल में एंटर होते हैं, उसके बावजूद भी आकाश आनंद को बहन जी अलग से बुलाती है और उसे आशीर्वाद देती है सबके सामने, जिसकी लेकर यह चर्चा तेज है कि अब आकाश आनंद ही बहुजन समाज पार्टी का भविष्य है। भविष्य के अंदर आकाश आनंद को और बड़ी अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है। अगले लोकसभा चुनाव 2024 में आकाश आनंद को महत्वपूर्ण भूमिका में देखा जाएगा। इस वक्त राजस्थान के अंदर संकल्प यात्रा है वो निकाल रहे हैं आकाश आनंद, और संकल्प यात्रा को छोड़कर वो लखनऊ पहुंचे और बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के बैठक में शामिल हुए। खबर यह भी मिल रही है कि इसके बाद आकाश आनंद का 25 तारीख को पटना के अंदर भी आपको बता दें कि कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। वही राजस्थान के अंदर जो यात्रा चल रही है वो 29 तारीख तक चलेगी और 29 अगस्त को जयपुर में इसका समापन होगा। मिलेंगे स्टूडियो अपडेटों के साथ, आप चले थे विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना।